A very pleasant morning to each and everyone. Sanmez Nagina welcome you, class 7th ABC Urdu students, for your Urdu class. And today we are going to study chapter number 16. As up till 15 we have completed for second unit test syllabus, and now our syllabus is starting from 16 chapter onwards, 16 chapter and 17 chapter, along with from 10 chapter onwards to 17 chapter it will come in annual exams. So we are just moving for annual exams preparation now. So prepare what came in second unit test also, and prepare this new chapter. So you should be ready with your pencil, and when I will be reading, you all have to keep your finger on that word which sir will read. So we are here beginning new chapter. The chapter is 16, you can see, and name of the chapter is Kahili or Chalaki. In English we used to call them laziness and cleverness. So you know, all know the meaning of laziness and cleverness. Pehle hum hijje karke padhenge. First of all we will read by the spellings, and first word is padosi, that is pe, re, vav, seen or choti hai. Milakar padosi hota hai. Agar aap hijjo se padhenge to aapka padhna aasan hoga. अगर आप किसी की हेल्प लेकर पढ़ेंगे तो आपकी मजबूती नहीं आएगी. सो यू हैव टू सिट टुगेदर, सिट विद मी एंड ट्राई टू प्रोनाउंस हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड नाइसली, सो दैट यू कैन स्टडी उर्दू प्रॉपरली एंड कैन पास विद नाइस मार्क्स इन सेवेंथ क्लास. मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज वाव काफ ते, वक्त. जब इसको ज्वाइन करेंगे तो वक्त होगा. कमिंग ऑन थर्ड हार्ड वर्ड इज मुकदमा. इसमें मीम है, काफ है, दाल है, और मीम के साथ हे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मद की शक्ल ले लेता है. इसका मिलाकर प्रोनंसिएशन मुकदमा होता है. फिर लास्ट हार्ड वर्ड है फ़ौरन. फ़ौरन में फे आया हुआ है, वाव आया हुआ है, रे आया हुआ है, अलिफ आया हुआ है, और अलिफ के ऊपर दो ज़बर हैं. सो दिस इज़ वॉट वी आर डीलिंग विद लास्ट वर्ड फ़ौरन. Now we are going to read the chapter. Pay attention all of you. बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए, दो आदमी थे जो पड़ोसी भी थे. I hope up till here all can see. First sentence I have read, once again I'm reading. बहुत दिन हुए, दो आदमी थे जो पड़ोसी भी थे. इनमें से एक आदमी काहिल था और दूसरा चुस्त व चालाक. आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द सेंटेंस मीनिंग. दे आर सेइंग फॉर लॉन्ग डेज बिफोर देयर वर टू पीपल एंड वन ऑफ देम वाज लेजी एंड अदर वाज एक्टिव एंड क्लेवर. चुस्त व चालाक मतलब एक्टिव और क्लेवर होता है. सो इनमें से एक आदमी काहिल था और दूसरा चुस्त व चालाक. कभी कभी दोनों पड़ोसी साथ साथ बैठकर गुफ्तगू कर लेते थे. This is a hard word, guftagu. And guftagu means communication or talking. As two friends are talking together, we used to call that they are doing guftagu. That is, they are just talking to each other or sharing their ideas and thoughts. Ek din kahil aadmi se dusre ne daryaft kiya. Daryaft matlab poocha. Daryaft karne ka matlab hai poocha. So, this daryaft word is important here. And hard word also, you can write English of this. टू आस्क. क्यों साहब इतने दिन चढ़े तक आप बिस्तर पर पड़े पड़े क्या करते रहते हैं. देन ही आस्क क्वेश्चन. हू आस्क क्वेश्चन? एक्टिव मैन आस्क क्वेश्चन टू द लेजी मैन. व्हाट वाज द क्वेश्चन? इतने दिन चढ़े तक आप बिस्तर पर क्या करते रहते हैं. इट मीन्स द लेजी मैन वॉज स्लीपिंग फॉर लेट इन द मॉर्निंग एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ. I hope you people are active and you are not getting up late, but you are getting up on time as soon as your parents are making you wake up. So be active so that you can score good marks. All the best. Moving on next paragraph in the chapter now. काहिल आदमी ने जवाब दिया, मैं एक बड़े भारी मुकदमे में फंसा रहता हूँ. फंसा रहता हूँ यहाँ तक हमने पढ़ दिया है, फिर पढ़ रहे हैं दोबारा. देखिए मीनिंग बताने के लिए. काहिल आदमी ने जवाब दिया, मैं एक बड़े भारी मुकदमे में फंसा रहता हूँ. यानी कि उसने कहा, यहाँ मुकदमा वर्ड जो आया है
ये मुकदमे का मतलब है केस, इन्होंने मुकदमे बोला है, मुकदमे केस को कहते हैं। और केस यानी कि एक तरह का इशू होता है जो कि लीगली कोर्ट में प्रेजेंट होता है, उसे केस कहते हैं। सो वो मुकदमे की बात जहाँ चल रही है उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ खड़ी होती है और वो उसको सुनता है। अब ये मुकदमा किसके बीच है? काहली और चालाकी के बीच है। तो कह रहे हैं काहली कहती है कि अभी उठना बेफायदा है, बेफायदा है मतलब यूज़लेस है। काहली जो लेज़ीनेस होती है वो हमसे कहती है, हमसे भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कह सकते हैं, कि हम सब अगर देर से उठ पा रहे हैं तो इसका मतलब हम भी इसी काहली में मुब्तला हैं, यानी परेशान हैं, घिरे हुए हैं। तो काहली हमसे कहती है, जैसे राइटर ने बताया कि उससे कहती है कि अभी उठना बेफ़ायदा है, ज़रा देर आराम करो, काफ़ी वक्त पड़ा है, उठ जाना। तो ये सारा हमारा टाइम वेस्ट करने वाली बात हमें काहली कहती है कि काफ़ी वक्त पड़ा है, उठ जाना। उठ जाना मीन्स बाद में उठ जाना। इधर चालाकी कहती है कि फौरन उठ, बैठ, नहीं तो वक्त चला। नहीं तो वक्त चला मीन्स वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, आपको मालूम है किस तरह से वक्त चला जाता है। कब आपका यूनिट टेस्ट हुए थे और बहुत जल्दी आपके एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसी तरह से वक्त कभी नहीं रुकता, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त चला फिर हाथ नहीं आने वाला, तो जो वक्त चला जाता है वो कभी हाथ नहीं आता है। फरवरी में आपके एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे सेकेंड वीक से, सो आपको ध्यान से जल्द अपने सारे काम पूरे रखने हैं और आप तैयार भी अपनी पूरी रखिएगा ताकि एग्ज़ाम्स में आपको परेशानी ना हो। ओके बेटा, आगे पढ़ रहे हैं, नाउ वी आर ऑन दिस लाइन। फिर दोनों, कौन दोनों? काहली और चालाकी अपने अपने कॉल की दलीलें देती हैं। दलीलें मतलब दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स, रीजंस अबाउट देयर व्हाट वी कैन से ट्रुथशिप, अबाउट देयर वैलिडनेस, अबाउट देयर रीजन व्हाई दे आर राइट ऑन देयर पार्ट। सोने दलीलें कहते हैं जिससे हमें पता लगता है कौन सही है कौन गलत है। तो काहिल आदमी बता रहा है कि मैं दोनों का बयान गौर से सुनता रहता हूँ, अभी कुछ फैसला भी ना करने पाता कि नाश्ते का वक्त हो जाता है। नाश्ते का वक्त हो जाता है यानी कि वो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करता रहता है, सुबह से सवेरे नहीं उठ पाता है, देर से उठता है कि नाश्ते का भी वक्त हो जाता है। बस यही है मेरा मुकदमा, बस यही है मेरा मुकदमा। सो ये मुकदमा लिखा है, मेरा मुकदमा कहते हैं, वो अपना बात बता रहे हैं कि मैं देर से किस लिए उठता हूँ। तो यही कह रहे हैं कि बस ये है मेरा मुकदमा और यही है मेरे देर तक बिस्तर पर पड़ा रहने का सबब। सबब मतलब यहाँ पे कारण आया है या रीज़न कह सकते हैं उसको, तो मकसद भी कह सकते हैं कि मेरा मकसद जो देर तक पड़े रहने का वो यही होता है कि मैं दलीलें सुनता रहता हूँ, रीज़न सुनता रहता हूँ काहली और चालाकी के बीच। वी वर ऑन पेज नंबर 67 एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 68, टर्न ऑन पेज नंबर 68 नाउ। दूसरा आदमी जो चुस्त व चालाक था उसने इस बात को सुनकर कहा, नाउ इट्स द टाइम टू स्पीक फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु वाज लिसनिंग। यू कैन सी इन दिस पिक्चर बोथ आर सिटिंग, वन इज काहिल एंड वन इज एक्टिव। सो काहिल वाज एक्सप्लेनिंग फर्स्ट एंड एक्टिव वाज गिविंग रीजन लेटर। सो एक बार फिर बताते हैं, दूसरा आदमी जो चुस्त व चालाक था उसने उस बात को सुनकर कहा, हजरत अगर ऐसा ही मुकदमा है, अगर ऐसा ही मुकदमा है तो ना कभी उसका फैसला हो सकेगा और ना आप कभी सुबह वक्त पर उठ सकेंगे। कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है, ये कह रहे हैं कि हजरत अगर आप ऐसे बेफालतू की बातों में अपना सोचते रहेंगे तो आप कभी भी नहीं उठ पाएंगे, इसलिए हमें कोई भी वेस्ट कम्युनिकेशन या वेस्ट एक्टिविटी में ध्यान नहीं देना है जिससे कि हमारा वक्त ज़ाया हो। हमारा मकसद साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारी मंजिल एक होनी चाहिए कि हम अच्छे बच्चे बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और एक अच्छा ज़िंदगी को हासिल करेंगे, अच्छे करियर को हासिल करेंगे, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और बाकी सारी बातों में हमें टाइम को ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए इस बात पर हम सब अमल करेंगे। काहली तुम्हें उठने ही ना देगी,
तो बता रहे हैं काहली यानी लेजीनेस एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी हमें अपना मकसद हासिल करने नहीं देती, तो हम अपना मकसद कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उनका कहने का मकसद यही है। अब वो देखिए क्या मोरल बता रहे हैं चैप्टर में। प्यारे तालिबे इल्मों यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है इस लेसन में। तुम कभी इस तरह के मुकदमे में मुबतला मत होना। मुबतला का मतलब है घिरना नहीं, कभी भी ऐसी बातों में मत पड़ना, कभी भी अपनी ऐसी बातों में मत घिर जाना। तो मुबतला होना मतलब घिर मत जाना। तो हमसे मोरल बताया गया है प्यारे तालिबे इल्मों, राइटर कहते हैं, तुम कभी इस तरह के मुकदमे में मुबतला मत होना काहिल आदमी यूं ही सोचता रहता है। काहिल आदमी यूं ही सोचता रहता है और चुस्त व चालाक आदमी अपना काम फौरन शुरू कर देता है। तो काहिल आदमी जो है वो बिना फालतू की बातों में अपना ध्यान लगाता है और उसको सोचता रहता है, जबकि जो लोग एक्टिव होते हैं, जो लोग क्लेवर होते हैं, वो अपने टाइम की वैल्यू जानते हैं और चुस्त व चालाक आदमी अपना काम फौरन शुरू कर देता है। जो करना है उसको करना ही है, अगर आज ही उर्दू का काम शुरू करना है तो आज ही करना है, उसको टालना नहीं है, है ना। अब देखें कितने बच्चे इस लेसन का नकल करेंगे और बहुत जल्दी इस लेसन को नकल करके हमें कमेंट करेंगे कि वी हैव कम्प्लीटेड एंड एज सून एज स्कूल विल ओपन आई विल चेक दिस चैप्टर 16 नकल। इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो दो बार नकल करेंगे और जिनकी राइटिंग अच्छी है वो सिर्फ एक बार नकल करेंगे, ठीक है। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है पेरेंट्स भी उनकी हेल्प करें कि हाँ वो बैठ कर कर रहे हैं अपनी हैंड राइटिंग में, पेरेंट्स कभी उनका ना लिखें। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को खुद उनकी हैंड राइटिंग में करवाएं, ताकि 8th क्लास में आने वाली हैंड राइटिंग उनकी मोती जैसी हैंड राइटिंग हो। और उर्दू की हैंड राइटिंग अगर बहुत अच्छी होती है तो वो आपको आने वाली ज़िंदगी में एक एडिशनल टैलेंट देती है। सो विद दीज वर्ड्स वी आर कमिंग ऑन लास्ट लाइन और सेकेंड लास्ट लाइन मोरल वॉज गोइंग ऑन। तो बताया उन्होंने कि अपना वक्त कभी मत खोना, अपना काम फौरन शुरू कर देना, जैसे चालाक आदमी कर देता है, वो नहीं सोचता है, एक्टिव पर्सन नहीं सोचता है कि हमें क्या करना है क्या करना है, वो सिर्फ कर देता है। वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। कौन? जो एक्टिव होता है, जो होशियार होता है, जो चालाक होता है, वो कभी भी अपना काम कल पर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि कल पर छोड़ने से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हम ऐसे अपने काम को बढ़ाते रहेंगे और कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसका काम ठीक वक्त पर पूरा हो जाता है। किसका? जो चालाक और एक्टिव होता है, ठीक है, जो चालाक होता है और जो फुर्तीला होता है, वो अपने काम को कल पर नहीं टालता है और वक्त पर पूरा हो जाता है उसका काम। काहिल लोग आखिर को पछताते हैं और चुस्त व चालाक लोग मज़ा लेते हैं, आराम पाते हैं, लिहाजा काहिल से बचे रहना। तो बता रहे हैं, लास्ट टाइम फिर पढ़ रहे हैं, देखो, काहिल लोग आखिर को पछताते हैं। अगर हम काहिल बनेंगे तो हमें आखिर में पछताना पड़ेगा, हमारा पूरा साल, हमारी पूरी फीस जो हम भर रहे हैं अपनी क्लास को पढ़ने में, वो ख़राब हो जाएगी, हमारा ये उम्र चली जाएगी जो इतनी अच्छी उम्र है हमारी पढ़ने की, ये चली जाएगी, तो हम बाद में नहीं पछताएं। हमें आज का काम आज ही कर लेना है, अगर हमारा काम कम्प्लीट नहीं है किसी सब्जेक्ट का तो हम उसे कम्प्लीट कर लें। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए, ताकि हमें कल को परेशानी ना हो। ये ठंड चली जाएगी और ठंड के जाते ही एग्ज़ाम आ जाएंगे। हमें हर काम लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, अभी रज़ाई भी है, वक्त भी है, साइलेंस भी है, और ध्यान से हर चीज़ हमें मिल रही है घर पर, तो हम उसका इस्तेमाल करते हुए अपने काम को पूरा कर लें, टाइम ख़राब ना करें, माँ बाप का कहना मानें, ताकि हमें ना पछताना पड़े, ठीक है। मम्मी पापा का कहना मानिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, चुस्त व चालाक लोग, नहीं तो कल आपको खिल्ली उड़ाएंगे, आपका मज़ा लेंगे, आपकी मजाक बनाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो वो दिन मत आने दीजिए, आज ही से अपना काम अच्छा कर लीजिए, ताकि कल आप अच्छे नंबर से पास होकर खुशी खुशी एक अच्छी क्लास में चले जाएं। फ्रॉम मिडिल ऑफ मार्च जस्ट एग्ज़ाम होते ही ख़त्म होते ही आप अगली क्लास में आ जाएंगे मार्च के महीने के लास्ट में ही, तो उससे पहले आपको अच्छे से अपना सारा काम मुकम्मल कर लेना है, और यही इस चैप्टर का मोरल है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ आई एम जस्ट रीडिंग वर्ड मीनिंग भी आपको नकल करने के बाद, चैप्टर की नकल करेंगे अच्छी हैंड राइटिंग में, और उसके बाद ये वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे, जैसे पड़ोसी का मतलब नाइबर होता है, काहिल लेजी को कहते हैं, चुस्त व चालाक एक्टिव को कहते हैं, गुफ्तगू कन्वर्सेशन होती है, बिस्तर बेड होता है, मुकदमा केस होता है,
बेफ़ायदा मतलब यूज़लेस होता है, फ़ौरन एट वंस होता है, ऑल स्टेटमेंट होता है, दलीलें आर्ग्यूमेंट्स होता है, प्रूफ्स होता है, फैसला जजमेंट होता है, इंसाफ होता है और डिसीजन भी फैसला होता है। सो इस तरह नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है, पछताना मतलब टू रिपेंट होता है और मज़ा लेना मतलब टू एंजॉय होता है। इस तरह से ये चैप्टर की रीडिंग हो जाती है पूरी। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को आपको बताएंगे। इससे पहले आप भी अपना काम पूरा रखें, अगर पिछला काम आपका नहीं हो रहा है तो आप ध्यान से उसको मुकम्मल कर लें और एक स्कूल खुलने से पहले ही आपको ना पछताना पड़े और मुझे बाद में आपको कोई पनिशमेंट ना देनी पड़े, उससे पहले ही आप आज की तारीख में अपना काम पूरा कर लीजिएगा। विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू, टेक केयर, वंस अगेन गुड डे।